वेलकम बैक ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जनरल अवेयरनेस की रिवीजन करते हैं थोड़ी सी, ओके? तो विच कलर इज दिस? जनरल अवेयरनेस की बुक ओपन कीजिए पहले आपकी, क्या सबने फर्स्ट पेज ओपन कीजिए। विच कलर इज दिस? रेड कलर। हाँ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? एप्पल। व्हाट इज दिस? Flower, but which flower? It's rose, okay? And what is this? This is a basket, okay? And this is a tomato. ये सारे जो है, ये कौन से कलर के है? इमेजेस, जो पिक्चर्स दिए हुए हैं वो सारे रेड कलर के हैं, है कि नहीं? तो ये रेड कलर के बारे में है, और हमने सर्कल शेप सीखा था उसके बाद, है कि नहीं? सर्कल शेप, तो उसे भी हमने रेड कलर दिया था, ओके? देन नेक्स्ट पेज के ऊपर है, विच कलर इज दिस? बताइए। सेकंड पेज के ऊपर, पेज नंबर 5 ओपन कीजिए और बताइए मुझे, विच कलर इज दिस? ये कलर बताइए, विच कलर इज दिस? येलो कलर, है कि नहीं? तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए प्लीज। ओ दीजिए, कौन, क्या है ये? ये क्या है बताइए मुझे, बताइए जल्दी। मैंगो। ये क्या है? आपका फेवरेट। लेमन। एंड व्हाट इज दिस? सनफ्लावर। ओके, सन के जैसे दिखता है ये, इसीलिए इसका नाम है सनफ्लावर। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज बनाना। बनाना ये भी क्या है? फ्रूट है। ये फ्रूट है कि नहीं? और ये है फ्लावर। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमने क्या किया है। नेक्स्ट पेज पे हमने सन को कलर किया है। कौन सा कलर है ये? विच कलर? येलो कलर। वेरी नाइस, गुड गर्ल। नाउ सन को हमने येलो कलर से कलर दिया है। अभी ये बताइए आप, विच कलर इज दिस? ग्रीन कलर। वेरी नाइस, ओके। तो ग्रीन कलर का क्या क्या है यहाँ पे? कैप्सिकम है। कैप्सिकम क्या होता है? फ्रूट क्या? वेजिटेबल। वेजिटेबल, नॉट फ्रूट। कैप्सिकम फ्रूट नहीं है, क्या है? वेजिटेबल है, सब्जी है कि नहीं? हम खाते हैं ना उसे, सब्जी बना के खाते हैं ना रोटी के साथ, है कि नहीं? तो ये फ्रूट नहीं है, ये क्या है? सब्जी है, वेजिटेबल। कैबेज, ये क्या है? कैबेज, जो ग्रीन कलर का है। तो ये भी क्या है, वेजिटेबल है या फ्रूट है बताइए मुझे? ये क्या है? कैबेज, वेजिटेबल। ओके, अगेन, ये क्या है? स्पिनच, मतलब पालक, है कि नहीं? तो ये भी क्या है? ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है कि नहीं? और ये क्या है? करी लीव्स। ओके, तो ये भी वेजिटेबल में ही आता है कि नहीं? तो ये सारे ग्रीन कलर के हैं। ओके, तो ये ग्रीन कलर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमने किसको कलर किया है। ट्री को कलर किया है कि नहीं? हमारे घर के सामने बहुत सारे ट्री होते हैं, तो उनके जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, वो होते हैं ग्रीन कलर के। और यहाँ पे हमने ट्री को भी, ट्री के जो पत्ते हैं उसको ग्रीन कलर से कलर किया है कि नहीं? तो ये ग्रीन कलर है। नाउ यू टेल मी, विच कलर इज दिस? उसके आगे का पेज ओपन कीजिए और बताइए मुझे, विच कलर इज दिस? ब्लू कलर। ओके, तो ब्लू कलर की झरनी है जिससे हम पानी डालते हैं पेड़ों को, है कि नहीं, पौधों को। ये क्या है? कप है, वो भी ब्लू कलर का है। ये क्या है? शर्ट है, ब्लू कलर का। और ये हमारी स्कूल बैग है, सैक है, ब्लू कलर की, है कि नहीं? तो ये सारे जो पिक्चर्स है, इमेजेस है, वो ब्लू कलर की है कि नहीं? तो आप भी ढूंढिए आपके शर्ट, है कि नहीं, ब्लू कलर के होंगे कबर्ड में, तो उन्हें ढूंढिए आप ब्लू कलर। हमने जो जो देखे ना कलर्स, वो सारे आपके पास है क्या? ड्रेस आप देखिए अपने कबर्ड में, ओके? बट मम्मी को दिखाने के लिए बोलिए, नहीं तो पूरा कपड़ नीचे निकालोगे, है कि नहीं? सिर्फ देखिए, ओके? नीचे कपड़े नहीं निकालने हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है? अम्ब्रेला को कलर किया है ब्लू कलर से, ओके? इसके आगे कौन सा कलर दिया है हमें? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का क्या क्या है? ऑरेंज फ्रूट है, पम्पकिन वेजिटेबल है, ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल है ऑरेंज कलर की, ये फ्लावर है। एंड What is this? This is a tub. Tub है, जो भी ऑरेंज कलर का है। तो ये सारे पिक्चर्स हमें ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कलर की इंफॉर्मेशन देते हैं, है कि नहीं? ये टब है।
जिसे हम पानी रखते हैं या फिर बर्तन रखते हैं, है कि नहीं, या फिर कपड़े रखते हैं, कुछ भी करते हैं। नेक्स्ट हमने बलून को कलर किया था ऑरेंज कलर से, है कि नहीं। इसके आगे कौन सा कलर है? ब्लैक कलर। ओके, BLACK, ब्लैक शूज़ है जो ब्लैक कलर के होते हैं। आपके भी स्कूल के शूज़ ब्लैक कलर के होंगे, है कि नहीं, है ना, आप सबके पास होंगे। तो ब्लैक कलर के शूज़ हैं। ये क्रो है जो ब्लैक कलर का है, और ये कैट है वो भी ब्लैक कलर की है। आपने भी देखी होगी ब्लैक कलर की कैट, है कि नहीं, सभी होती है कि नहीं, ब्लैक कलर की कैट, बहुत सारी कैट ज़्यादातर ब्लैक कलर की होती है। और ये कार के टायर है जो ब्लैक कलर के हैं, है कि नहीं। क्रो तो आपने देखा ही होगा ब्लैक कलर का, है कि नहीं, क्रो तो होता ही है सभी जगह पे। और ये जो पेंगुइन है इसे भी हमने ब्लैक कलर से कलर किया था। उसके आगे हमें दिया था कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, गर्ल हूँ या बॉय हूँ, ये इंट्रोडक्शन दिया था, है कि नहीं। तो ये जो है ये गर्ल है और ये बॉय है, है कि नहीं। इज़ दिस अ गर्ल? यस, दिस इज़ अ गर्ल। इज़ दिस अ बॉय? यस, दिस इज़ अ बॉय, है कि नहीं, हमने ये पढ़ा है। एंड हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, तो आपको बताना आना चाहिए। आई एम 3 years old, है कि नहीं। तो 3 candles को हमने कलर किया था, है कि नहीं। नाउ आगे क्या है? आगे हमारे बॉडी की इंफॉर्मेशन दी है, है कि नहीं। दीज आर माई ईयर्स, ये लड़की बता रही है, दीज आर माई ईयर्स, आपके ही जैसी है, स्कूल जा रही है, और वो आपको हाय कर रही है और बता रही है अपने बॉडी पार्ट्स, है कि नहीं। ये भी 3 years old की है और ये बता रही है दीज आर माई ईयर्स एंड दीज आर माई आईज, आई हैव 2 eyes, 2 ears एंड हेड, दिस इज माई हेड एंड दिस इज माई माउथ, दीज आर माई लिप्स, दीज आर माई टीथ and this is my nose, these are my cheeks, this is my chin, okay, this is my forehead, this is my neck, hai ki nahi, and these are my shoulders, okay, hands, fingers, jo hum roz dekhte hai ki nahi, fingers ki exercise karte bhi hai ki nahi, and then chest, stomach, hai ki nahi, and legs, ye sab wo dikha rahi hai aapko, okay. Next humne ek rhyme bhi padhi thi, I have 2 little eyes, I have 2 little eyes to look around, to look around. I have 2 little ears, I have 2 little ears to hear its sound, to hear its sound. Next, I have 1 little nose, I have 1 little nose to smell what's sweet, to smell what's sweet. I have 1 little mouth, I have 2 little mouth that likes to eat, है कि नहीं। देन हमने क्या किया था, ड्रॉ 2 eyes, 2 ears एंड 1 nose ऑन दिस फेस। तो हमने किया था कि नहीं, फेस दिया था यहाँ पे, ears ड्रॉ किए थे, eyes ड्रॉ किया था, nose ड्रॉ किया था, और mouth को हमने, lips को हमने red color से color किया था, है कि नहीं। तो ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्या है, वापस हमें माय बॉडी हेल्प्स मी, किस किस में हेल्प करती है, मेरे जो 5 sensory organs है, 5 sensory organ पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने पढ़ा था, है कि नहीं। तो आई सी विथ माय आईज, आईज हमें क्या हेल्प करते हैं, देखने के लिए, है कि नहीं। अगर हमने आंखें बंद कर दी तो हमें कुछ दिखाई देगा क्या? कर लो आप अपनी आँखें बंद कीजिए सब, आपको कुछ दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ आपको? नहीं, है कि नहीं। तो आखिर हमें किस, कौन सी हेल्प करती है, किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, देखने के लिए, है कि नहीं। आई कैन सी विथ माई आईज, है कि नहीं। आई कैन हियर विथ माई ईयर्स, आई कैन लिसन विथ माई ईयर्स, और आई कैन हियर विथ माई ईयर्स, ओके। तो कानों की हेल्प से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। अगर हमने कान बंद किए, बंद कीजिए आप अपने कान, देखिए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, है कि नहीं। तो कान हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, सुनने के लिए, किस में? सुनने के लिए, है कि नहीं। जो भी सॉन्ग्स है या फिर मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, है कि नहीं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ योर ईयर्स, है कि नहीं, कानों की वजह से। देन नोज है, नोज से हम क्या करते हैं, नोज से हम स्मेल लेते हैं, है कि नहीं। अच्छी बुरी जो भी स्मेल आती है वो किस वजह से आती है, नोज की वजह से, है कि नहीं। अगर किसी ने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, पाव भाजी बनाई, है कि नहीं, या फिर इडली सांभर बनाया, तो फिर हमें स्मेल आती है कि नहीं। मम्मा ने अगर घर में बनाया तो हमें पता चलता है, या फिर पोहा बनाया पता चलता है कि नहीं, क्या बनाया है घर में, किस वजह से पता चलता है, बिकॉज ऑफ आवर
नोज। नोज की वजह से हमें क्या होता है, स्मेल आती है, है कि नहीं अच्छी। या फिर किसी ने परफ्यूम लगाया तो हमें स्मेल आती है कि नहीं अच्छी सी, है कि नहीं। या फिर मम्मा ने अगरबत्ती जला दी भगवान के सामने तो भी बहुत सुंदर खुशबू आती है, वो किस वजह से आती है बताइए हमें, किस वजह से आती है विदुषी बताइए, नोज की वजह से, है कि नहीं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, टेस्ट। टेस्ट अभी देखिए, अगर आपने पोहा खाया ओके या फिर इडली खाई तो वो आपको अच्छी लगती है, बट किस चीज़ से आपको ये, किस वजह से आपको वो अच्छी लगती है, टंग की वजह से, है कि नहीं। टंग हमें टेस्ट फील कराती है कि नहीं, कि कैसी बनी है, टेस्टी बनी है, कड़वी बनी है, सॉल्टी बनी है, या स्वीट है, या सोर है, या स्पाइसी है। ये सारे टेस्ट हमें किस वजह से पता चलते हैं, हमारी टंग की वजह से। किस वजह से पता चलते हैं, टंग की वजह से, है कि नहीं। टंग हमें फील करा देती है कि कैसी बनी है सब्ज़ी, है कि नहीं, अच्छी बनी है, बुरी बनी है, जो कुछ भी है वो हमें टंग की वजह से पता चलता है। नेक्स्ट इज स्किन। स्किन हमें क्या हेल्प करती है, क्या हो रहा है, क्या स्किन हमें किस चीज़ के बारे में पता कराती है, टच के बारे में, है कि नहीं। अगर देखिए मम्मा ने आपको गर्म गर्म पानी भर के एक थैली में दिया, है कि नहीं, जो हॉट वाटर बैग होती है कि नहीं। अगर हमारा सिर दुखने लगा तो हम उस हॉट वाटर बैग से हमारा सिर ऐसे सेंकते हैं, है कि नहीं। तो उसमें गर्म पानी है, ये हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज ऑफ अवर स्किन, है कि नहीं। स्किन हमें वो फील देती है कि ये गर्म है। या फिर अगर फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी निकाला है और वो हमने हाथ में लिया तो हमें कैसे पता चलता है कि वो बहुत कोल्ड है, ठंडा है, बिकॉज ऑफ अवर स्किन, है कि नहीं। तो स्किन की हेल्प से हमें क्या पता चलता है, ठंडा या गर्म, या फिर सॉफ्ट एंड हार्ड, सॉफ्ट टू टच या फिर हार्ड टू टच। अगर आपने टेडी बेयर हाथ में लिया तो वो कैसे होता है, सॉफ्ट होता है टच के लिए, ओके। और यही अगर आपने कुछ हार्ड चीज़ ली, या फिर रिमोट कंट्रोल होता है आपका, मोबाइल होता है, वो हार्ड होता है टच के लिए, है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलता है आपको हार्ड एंड सॉफ्ट, बिकॉज ऑफ आवर स्किन, ओके। तो स्किन की हेल्प से हमें पता चलता है कि कोल्ड है या फिर गर्म है, हॉट है या फिर सॉफ्ट है या हार्ड है, ओके। ये सारे जो फीलिंग्स हैं हमें स्किन की वजह से आते हैं। तो ये है हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स, इनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, है कि नहीं, पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें ज्ञान दिलाते हैं, है कि नहीं। आँखें देखने का ज्ञान दिलाती है, ईयर्स हमें सुनने का ज्ञान दिलाती है, टंग हमें टेस्ट फील कराती है, नोज हमें स्मेल सुगंध फील कराती है, और स्किन हमें टच फील कराती है कि कौन है। अगर हमारे घर वाले हैं, मम्मा का टच भी हमें पता चलता है। अगर हम नींद में भी हो और मम्मा उठा रही हो तो हमें पता चलता है, क्योंकि हमने वो महसूस किया होता है कि नहीं, वो टच, इसीलिए हमें पता चलता है। और ये सब स्किन की वजह से होता है, ओके। तो ये हो गए 5 सेंसरी ऑर्गन्स। अभी इसी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये लड़की क्या कर रही है, फ्लावर को सूंघ रही है कि नहीं। अच्छा सुगंध आ रहा है, ऐसे देख रही है, तो ये उसको नोज़ की वजह से पता चला था, इसलिए हमने नोज़ को मैच किया था। देन ये लड़की है जो क्या कर रही है, आइसक्रीम खा रही है, ओके। तो आइसक्रीम खाने के लिए टेस्ट की ज़रूरत होती है, कैसी है वो, तो हमने वो टंग को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट एक लड़की है जिसने रैबिट हाथ में लिया है, तो रैबिट कैसे होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है कि नहीं। तो हमने स्किन को टच किया था उसे। एंड एक लड़का है यहाँ पे, बॉय है, वो पढ़ रहा है, तो उसे पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत लगेगी, आँखों की, है कि नहीं, इसीलिए हमने आइज़ को ज्वाइन किया था। एंड एक यहाँ पे एक बॉय है, वो फ़ोन पे बात कर रहा है, पर फ़ोन पे बात हम तभी कर सकते हैं जब हमें सामने वाले की आवाज़, फ़ोन में जो बोल रहा है उसकी आवाज़ कान में आई, तो ही हम बोल पाएंगे, है कि नहीं। इसलिए हमें ईयर की ज़रूरत लगती है फ़ोन पे बात करने के लिए, है कि नहीं। तो फिर ईयर को हमने मैच किया था, ओके, ये हमारा हुआ था। नेक्स्ट हमने क्या किया था पिछली बार, लास्ट हमने ये पढ़ा था मोर अबाउट मी, मतलब जब हम हंसते हैं तो आई लाफ, जब हम रोते हैं तो आई क्राई, जब हम नाच रहे होते हैं तो आई डांस, जब हम गाना गा रहे हैं तो आई सिंग, जब हम जंप कर रहे हैं रोप से तो आई स्किप, है कि नहीं। एंड जब हम ताली बजाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आई क्लैप। और अगर हम ड्राइंग निकाल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई ड्रा। व्हाट हैपेंड, आई ड्रा, हंसो,
हंसो हंसो थोड़ा सा, हंस क्यों नहीं रहे हो आज आप? क्या हुआ, क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है बच्ची को? आई ड्रॉ, अगर हम ड्राइंग निकाल रहे हैं तो क्या होता है, क्या बोलते हैं हम? आई ड्रॉ। चलो बताइए क्या कर रही है, क्या कर रही है रानी? तो क्या बोलेंगे? आई रन। ये लड़की क्या कर रही है, गर्ल क्या कर रही है? वॉक कर रही है, चल रही है, है कि नहीं? तो चलने के लिए क्या बोलेंगे? आई वॉक। और ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है फुटबॉल के साथ, तो क्या बोलेंगे? आई प्ले। तो ये हमने देखा था, है कि नहीं? तो ये सारा हमने रिवाइज किया है आज, ओके? और एक पढ़ा था हमने आई फील, है कि नहीं? जब हमें कुछ मिलता है तो हम कैसे फील करते हैं? हैप्पी। अगर कोई हम पे गुस्सा करे, है कि नहीं, तो हम कैसे फील करते हैं? सैड, है कि नहीं? हंसते ही नहीं है, रोते हैं और हमारा फेस सैड हो जाता है, डाउनवर्ड कर्व में हो जाता है। और हैप्पी होंगे तो हमारा कर्व स्माइल हमारी अपवर्ड कर्व में रहती है, और सैड होंगे तो डाउनवर्ड कर्व में स्माइल रहती है कि नहीं? और अगर हमें नींद आ रही है तो कैसे फील करते हैं हम? स्लीपी फील करते हैं। एंड अगर हमें बहुत भूख लगी है तो हंगरी फील करते हैं, है कि नहीं? तो ये फीलिंग्स भी हमने देखी थी। आज हम देखेंगे आई कैन, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, है कि नहीं? आप क्या क्या कर सकते हो और मैं क्या क्या कर सकती हूँ, हर कोई क्या क्या कर सकता है अपने आप, वो हमें देखना है खुद से, ओके? तो ये बॉय है वो बोल रहा है आई कैन ब्रश माई टीथ। देखो आपके ही जैसा है छोटा सा, वो खुद अपने हाथों से ब्रश कर रहा है। क्या आप करते हो? आपको करना चाहिए, है कि नहीं? ओके, बट अच्छा किया कीजिए, ताकि सारे टीथ जो है हमारे वो अच्छे से क्लीन होने चाहिए। नहीं तो सिर्फ ऐसे किया, बस ऐसे नहीं करना है, अच्छे से अंदर बाहर सर्कल सर्कल में आपको घुमाना है ब्रश, है कि नहीं? तो आई कैन ब्रश माई टीथ रेगुलरली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर अ बेड एंड बिफोर अ बेड, बिफोर गो टू बेड एंड आफ्टर अ बेड आई कैन ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली, है कि नहीं? तो मैं दो बार ब्रश करता हूँ नींद से उठने के बाद और नींद सोने को जाने से पहले, है कि नहीं? मैं ब्रश करता हूँ अपने टीथ, ऐसे ये बोल रहा है कि नहीं? आई कैन ब्रश माई टीथ। ये गर्ल है यहाँ पे, वो क्या कर रही है? बस इनके सिंह के यहाँ वो अपना मुंह साफ कर रही है और वो बोल रही है वॉश माई फेस। आई कैन वॉश माई फेस, मैं मेरा फेस वॉश कर सकती हूँ। क्या आप कर सकते हो अपना फेस वॉश? कैसे करते हैं फेस वॉश, दिखाइए वेदा। हाँ आप कैसे करते हैं, कैसे कैसे करते हैं? यस, तो क्या आप कर सकते हो फेस वॉश खुद से? वेरी नाइस, बट अच्छे से करना है, ओके? देन ये एक बॉय है जो अपनी बैग बहुत अच्छे से पैक कर रहा है। और मतलब देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके, पढ़ाई करते वक्त आप अपनी सारी किताबें बाहर निकालते हो, है कि नहीं? और वापस बैग में रखते हो क्या आप, या फिर आपकी मम्मी को बोलते हो रखने के लिए? आप क्या करते हो, रखते हो खुद से, रखते हो? वेरी नाइस, रखना चाहिए, है कि नहीं? तो ये बोल रहा है आई कैन पैक माई बैग, मैं मेरी बैग पैक करता हूँ, कर सकता हूँ, खुद से कर सकता हूँ, किसी के हेल्प नहीं ले लूँगा मैं आज से, मैं खुद से कर सकता हूँ मेरी बैग पैक। आई कैन पैक माई बैग, ऐसे ये बॉय बोल रहा है। देखो कितना गुड है ये बॉय, तो तालियां बजाइए इसके लिए सब। वेरी नाइस। अभी आगे क्या दिया है, ये एक गर्ल है जो खुद से अपने हाथों से खाना खा रही है। देखिए आप, क्या आप खाते हो, क्या आप खाते हो वेदा? खुद से खाना खाते हो आप? आप खुद से खाना खाते हो? सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। खाते हो आप? नो, आप नहीं खाते हो अपने हाथों से, है कि नहीं? आई कैन ईट ऑन माई ओन, मैं मेरे खुद से, मेरे खुद के हाथों से खाना खाती हूँ, ऐसे वो बोल रही है। देखिए आप, आपको भी खाना चाहिए अच्छे से, बट अच्छे से खाना चाहिए और च्यू करके खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, है कि नहीं? तो ये लड़की है वो बोल रही है आई कैन ईट ऑन माई ओन, मैं खुद से खाती हूँ मेरा खाना। देखो कितनी गुड गर्ल है वो, आपको भी बनना है गुड गर्ल और गुड बॉय, ओके? सुबह नाश्ते में अपने हाथों से खाना है, दोपहर में भी अपने हाथों से खाना है, 4 बजे भी अपने हाथों से खाना है, और रात का जो खाना है हमारा वो भी अपने हाथों से ही खाना है, है कि नहीं? सभी खाना, जो जो खाना है आपको, जो जो टाइम में, वो अपने हाथों से ही खाना है। खाओगे ना आज से आप? वेरी नाइस। और ये एक लड़की है, गर्ल है, वो बोल रही है आई कैन पुट अवे माई टॉयज, ये बोल रही है कि मैं मेरे हाथों से मेरे सारे टॉयज रखती हूँ, अच्छे से सारे लगा के अच्छे से रखती हूँ, ऐसे दिखा रही है। देखो
वो खुद से अपनी सारी जो टॉयज है खिलौने हैं, एक बार अगर खिलौने नीचे लिया आपने तो सारे घर में ऐसे सारे खिलौने ही खिलौने हो जाते हैं कि नहीं। और अगर खेल के हो गया तो आप रखते हो खिलौने सारे जहाँ पे थे वहाँ पे, या फिर मम्मा को रखने को बोलते हो, तो ये बहुत बैड मैनर्स है। आप क्या करते हो वेदश्री, खिलौने अपने आप रखते हो? रखना चाहिए, ओके, आज से रखोगे आप, रखना है, ओके। ये देखो ये जो बॉल है वो इसमें मुझे ढूंढ देना। ये जो बॉल है, यस, तो ये गर्ल है जो खुद से अपने सारे टॉयज रखती है खेलने के बाद। देखो इसी इन सारों के जैसे आपको भी बनना है। ये बॉय अपने हाथों से ब्रश करता है, ये गर्ल अपने हाथों से मुंह धोती है, ये बॉय अपने हाथों से बैग, जो उसकी बैग है स्कूल की या फिर जो भी पढ़ाई का, अभी तो आप घर से पढ़ाई कर रहे हो है कि नहीं, तो आप जब पढ़ाई के लिए बुक्स लेते हो तो वो लेने के बाद आपको वापस तो जगह पे जहाँ थे वहाँ पे रखनी है। हाँ, आ गई है वेदा की मिस पॉली। ये गर्ल है वो अपने हाथों से खाना खाती है। हाँ, मुँह टेढ़ा नहीं करना है, ओके। और ये जो गर्ल है ये अपने हाथों से टॉयज भी अपनी जगह पे रखती है। तो आपको भी बनना है अच्छा गर्ल, है कि नहीं, गुड गर्ल बनना है, गुड बॉयज बनना है आप सबको, है कि नहीं। और मम्मा को परेशान नहीं करना है, सब अपने जो जो आप कर सकते हो अपने हाथों से वो आपको करना है, ओके। यही हमें बताया है इस पेज के ऊपर, ये आपके लिए ही है ताकि आप अपने जो जो है खुद से खुद करना सीखना है आपको आज से, है कि नहीं। तो आप ब्रश करना सीखिए, आप मुंह धोना सीखिए, साफ रहना सीखिए, है कि नहीं, और बैग हमारी पैक करना सीखिए, हाथों से अपने हाथों से खाना खाने के लिए सीखिए, एंड हमारे जो टॉयज़ है वो अपने हाथों से खुद जहाँ पे थे वहाँ पे खेलने के बाद रखना सीखिए। ये सारी चीज़ें सीखिए, देखो आपके मम्मी पापा आप पे कितने खुश हो जाएंगे, है कि नहीं वेदा, है ना, बहुत खुश हो जाएंगे और आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी देंगे। बताती हूँ मैं आपको, प्रॉमिस। तो आज से आपको ऐसा ही बिहेव करना है ना, करोगे आप? यस, वेरी नाइस। तो आज हम राइम्स बोलते हैं, चलो राइम्स टाइम। तो कौन सी राइम बोलेंगे आज हम, कौन सी राइम बोलेंगे बताइए? माय रेड बलून बोलेंगे, माय रेड बलून, चलो। माय रेड बलून, माय रेड बलून, फ्लाई हाई सो हाई सो हाई, आई जंप अप हाई, आई जंप अप हाई, आई ट्राई टू टच द स्काई बट कांट, ओ टेल मी व्हाई। माय रेड बलून, माय रेड बलून, फ्लाई हाई सो हाई सो हाई, है कि नहीं। रेड बलून उड़ के गया और पकड़ने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे हम, है कि नहीं, क्योंकि वो फ्लाई करके उड़ गया बलून, है कि नहीं कर सके उसे टच हम, वो उड़ गया। अगर हाथ से बलून छूटा तो पकड़ सकते हैं हम, वो ऊपर 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 फ्लाई करते रहता है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है कि नहीं, इसलिए बहुत ऊपर चला जाता है, फिर हमारे हाथ में नहीं आता है कि नहीं। तो इसी के ऊपर ये राइम थी, है कि नहीं। अभी हम आई एम अ लिटिल टीपॉट बोलेंगे, ओके, चलो 1 2 3 स्टार्ट। आई एम अ लिटिल टीपॉट शॉर्ट एंड स्टाउट, हियर इज माय हैंड, हियर इज माय स्पाउट, व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग हियर मी शाउट, जस्ट लिफ्ट मी अप एंड पोर मी आउट। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, अभी हम कल मिलेंगे, बाय बाय। हमने शीशे में वापस न